एनआरसी को लेकर 21 दिसंबर को रामपुर में हुए बवाल के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को घरों से उठा लिया है। महिलाओं ने जामा मस्जिद पर धरना देकर अपने परिजनों को छुड़वाए जाने की उलेमा से मांग की है। उलेमा ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्यवाही चल रही है। जामा मस्जिद पर कई मोहल्लों की महिलाएं एकत्रित होकर पहुंची और धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठी अनीसा ने बताया कि रामपुर में 21 दिसंबर को हुए बवाल के बाद उनके दो बच्चों को पुलिस ने उठा लिया है। कहा कि उनके बच्चे बेकसूर हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने किसी के पति को तो किसी के भाई को पकड़कर जेल भेज दिया है। महिलाओं ने जामा मस्जिद पर धरना देकर उनके परिजनों को छुड़वाए जाने की मांग की है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रम राजा इनायती ने कहा कि उलेमा ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि कार्यवाही चल रही है, बेकसूरों को रिहा करवाया जाएगा। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। आपका मीना, आज यहाँ कैसे आई आप? इंसाफ के लिए आए, जमा मस्जिद में काजी साहब से इंसाफ चाहिए हमें। कैसे इंसाफ? आज 25 दिन उन्होंने वायदा करा था, ऐलान करवाया। तो क्या आश्वासन दे रहे हैं यहाँ के लोग आपको? यही सहारे में रख रहे हैं, इतने दिन हो गए, क्या छुट जाएंगे, कल छुट जाएंगे, कोई तसल्ली नहीं है, इतने दिन हो गए जिनसे ये हो गया। तो डीएम साहब या एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया आपको? उन्होंने भी यही कहा कि छोड़ देंगे, मगर कोई छोड़ने की कोई नहीं है, कोई चीज। कितने दिन हो गए आपको यहाँ कहाँ आते हुए? इतवार का दिन बना गया। बच्चों को वहाँ से चलान भी कर दिया और हमसे कह रहे आ रहे पास दरोगा भी कह रहा है, ये भी कह रहा है। आगे आप क्या स्टेप उठाएंगी, आगे क्या कर रहा है आपकी? मैं तो क्या कर सकते हैं, हमारी जान है, वो हमें बंद कर दी, बस हमारे बच्चों के पास ले आके बस कुछ नहीं कर सकते। आप लोग नए एसपी साहब से मिले? हाँ मिले, नए से मिली। पुराने ने हमें बहुत दी, 2 तारीख से दे रहा था टाइम और इसको दे दिया था कि ये इतवार नहीं आएगा जो बच्चे आ जाए। आज जो जामा मस्जिद में ये कुछ महिलाएं जमा हुई हैं जो अपने बच्चों की रिहाई क्यों नहीं लेके, उसके बारे में क्या आपका विश्वासन है? देखिए, आज जो जामा मस्जिद में मस्कुरात जिस तरह से जमा हुई और उन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार किया, वो मामला 21 दिसंबर का है, जब 21 दिसंबर को CAA और NRC के खिलाफ उलमा इकराम की आवाज़ पर एहतजाज बुलंद किया गया था और हम अपने संविधान के दायरे में और संविधान के बाजियाबी के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए हम लोग निकले थे और संविधान के खिलाफ जो काला कानून बनाया गया है उसके खिलाफ हम लोगों ने एहतजाज बुलंद किया था, प्रोटेस्ट किया था। ये वो मामला है जब लोग सड़कों पर निकल रहे थे, हजारों लोग ईदगाह पर जाकर बैठ गए थे, लेकिन हाथी खाना चौराहे पर पुलिस ने जो लोगों को रोका तो क्यों रोका? वहाँ नहीं रोकना चाहिए था, उन लोगों को जाने देना चाहिए था, वो भी जाकर ईदगाह पर बैठ जाते और भी लोग हजारों वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ रोका गया, रोकने से ये हुआ कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो है झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिससे वहाँ भगदड़ मची, लोगों के हाथों में ईंटे पत्थर भी आए। अपने बचाव के लिए क्या करता आदमी इसके अलावा? कोई वहाँ डंडे लेकर नहीं गए थे, कुछ लेकर नहीं गए थे, उनके ऊपर जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं जो कि सरासर गलत है। इसलिए उसी गम गुस्से को लेकर औरतें महिलाएं जामे मस्जिद में आई थी और उलमा इकराम मुफ्ती हजरत और काजी साहब से उन्होंने गुजारिश की थी कि हमारे बच्चे जो वहाँ जेलों में चले गए हैं बेकसूर, उन पर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उन लोगों को बरी किया जाए, और यही मांग लेकर वो आई थी। इससे पहले भी हम लोग इंतजामिया से बार बार मिले हैं, DM साहब SP साहब से बात की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया हमें बार बार, जो बेकसूर हैं उन्हें जल्दी छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं छोड़ा गया, जो बहुत अफसोसनाक है। बार बार हमारे काजी साहब, मुफ्ती साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बार बार जाते हैं, बहुत शर्मिंदगी होती है और जिला प्रशासन उन्हें आश्वासन देकर भेज देता है, हमें बहुत तकलीफ है। इसमें जो है हमारा एक बच्चा फैज़ नाम का जो है शहीद भी हुआ है, उसकी भी बहुत तकलीफ है और उसको भी मुल्ज़िम बना दिया गया, उसके नाम भी FIR कर दी गई, बहुत तकलीफ की बात है। पता चलना चाहिए कि आखिर उसके गोली किसने मारी, वहाँ नौजवानों ने किसी ने नहीं मारी है, आवाम में से नहीं लगी है, लोगों का कहना है कि पुलिस ने उसकी गोली मारी है, इसलिए पहले उसकी जाँच की जाए सख्ती के साथ और जो है उन जालिम पुलिस वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए, मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनको भी जेल भेजा जाए, बेकसूरों को जेल से रिहा किया जाए, हमारी ये मांग है। आगे की क्या कार्रवाई है? आगे भाई जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम लोग जो है बहुत शराफत से, बहुत इंसानियत से, अमन शांति के साथ बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है और टाल मटोल की जा रही है जो कि बिल्कुल तकलीफ देह है। अगर ऐसे ही होता रहा तो भाई फिर उलमा इकराम को हम लोगों को सोचना पड़ेगा अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए, जो ये सब चीज़ जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नाकाबिल बर्दाश्त है।
थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।